हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। व्हाट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स? द सेमीकंडक्टर्स इन इट्स प्योर फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। दैट इज द सेमीकंडक्टर्स फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंप्यूरिटी, दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और प्योर सेमीकंडक्टर्स। वी आर giving examples of germanium and silicon in its pure form, that is they are intrinsic semiconductor. We can write the electronic configuration of silicon. Electronic configuration of silicon will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. You are seeing that there are 4 valence electrons in silicon. Similarly, in germanium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, and in outermost orbit, again, there are 4 electrons. So, we are seeing that both germanium and silicon have 4 valency. Actually, the crystal structure of intrinsic semiconductor is three-dimensional tetrahedral pattern. Its a two-dimensional view can be shown in this way. In three-dimensional tetrahedral pattern, germanium or silicon will be placed at each of the vortex. Its a two-dimensional view can be shown like this. Here you have seen that the valency of germanium or silicon is 4. That's why nucleus plus 4 electrons will have plus 4 charge, and the valence electron each germanium or silicon is covalently bonded with its neighboring 4 germanium atoms like this. They are covalently bonded by the neighboring 4 germanium atoms like this. Here, this is germanium or silicon. You are seeing that these are the 4 valence electrons and they are bonded with neighboring 4 germanium atoms like this. So, you are seeing that all the valence electrons are covalently bonded with the neighboring 4 germanium or silicon atoms. Means at 0 Kelvin temperature, no free electron is available for conduction. So, we can say that at 0 Kelvin temperature, intrinsic semiconductors behave like insulators. 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये पूरी तरह से इंसुलेटर होगा, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसके कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है ब्रेक होंगे। रूम टेम्परेचर पे अप्रोक्स 1 जर्मेनियम एटम का कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है आउट ऑफ 10^9 एटम्स। आप सोच सकते हो कि इसकी कंडक्टिविटी कितनी पुअर होगी, और जैसे ही एक बॉन्ड ब्रेक होगा एक इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री होगा, यहां पे वैकेंसी बनेगी, यानी यहां पे होल आएगा और ये इलेक्ट्रॉन। आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड होल डेंसिटी इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर आइडेंटिकल, दैट इज इक्वल टू इंट्रिंसिक डेंसिटी। ये इंट्रिंसिक डेंसिटी, जो इंट्रिंसिक डेंसिटी होती है रूम टेम्परेचर पे, इंट्रिंसिक डेंसिटी की वैल्यू 2.4 × 10^19 पर मीटर क्यूब जर्मेनियम के केस में होती है, और यही वैल्यू 1.5 × 10^16 पर मीटर क्यूब सिलिकॉन के केस में। एक बात और, ये आप देखें, दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस वन इज द कंडक्शन बैंड। जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे उतने होल्स यहां भी बनेंगे, यानी नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड आर सी
to that of the number of electrons in conduction band. That's why we are saying that electron density and hole density both are equal to intrinsic density in case of pure semiconductors, in case of intrinsic semiconductors. Germanium के केस में ये जो एनर्जी गैप होता है ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और सिलिकॉन के केस में ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. आप देख सकते हो कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वैलेंस बैंड से काफी मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाना, यानी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इसकी कंडक्टिविटी काफी पुअर होगी और इसी वजह से इसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं होती. देयर इज नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ इंट्रिंजिक और प्योर सेमीकंडक्टर्स. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, जबकि होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे. हालांकि होल मूव नहीं करते हैं, अपारेंट जो है उनका मूवमेंट होता है. होल्स भी जो है इलेक्ट्रॉन जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मूवमेंट से ही होल्स क्रिएट होते हैं और इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि होल्स की जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी के रेस्पेक्ट में काफी होल्स की मोबिलिटी कम होती है. आप कह सकते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हम अपेरेंट जो है एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं, ये क्रिस्टल ले रहे हैं, यहां पे हमने ये कनेक्ट किया तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में और होल्स का फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा. यानी इसमें जो करंट होगी, जो टोटल करंट होगी, इट विल बी द सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट. ये दोनों करंट जो है कंट्रीब्यूट करेगी एक दूसरे को. इलेक्ट्रॉन का फ्लो राइट टू लेफ्ट हो रहा है तो करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो, और होल्स को अपेरेंटली आप पॉजिटिव चार्ज ही मानते हो, इसका मतलब होल्स के मूवमेंट के डायरेक्शन में तो करंट फ्लो ही होगी, यानी इन दोनों करंट्स को हमको सम अप करना होगा. अब हम ये देखते हैं कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है. कंडक्टिविटी बढ़ती है मतलब इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स जो ब्रेक होते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस होते हैं और इंट्रिंजिक जो डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी होती है, वो भी इंक्रीज करती है. ये जो डिपेंडेंस है इंट्रिंजिक चार्ज डेंसिटी का वो कुछ इस तरह से होता है e टू द पावर माइनस ईजी अपॉन 2kT, वेयर ईजी द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, k इज द बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर. सो वी कैन से दैट द चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर. सो वी कैन से दैट कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर. इन दिस वे वी कैन सी दैट द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयर इज नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. थैंक्स.